नमस्कार। आज हम लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉगरिथम्स या जिसको लॉग भी कहा जाता है, जॉन नेपियर स्कॉटिश मैथमेटिशियन इन्वेंटेड द लॉगरिथम्स इन 1614 विद द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड इन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लार्ज नंबर्स। तो जॉन नेपियर स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जिन्होंने लॉग की खोज की है। इसका मेन पर्पस है कि कुछ एक नंबर्स जो कि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जिनमें होता है उनको कैलकुलेशन को सॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल 5.14:3/4 1.673:1/3 √2.567 8.976 6 such type of numbers are complicated and they will require a lot of time to solve these questions. तो इस तरह के क्वेश्चंस या इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हल करने के लिए लॉग की सहायता से इजीली किया जा सकता है। लॉगरिथमिक इज क्लोजली रिलेटेड टू द एक्सपोनेंट्स। जैसे हम लिखते हैं कि 2^3 = 8 या 3^2 = 9 या सपोज 4^4 = 256 एक्सेट्रा। अब इनको लॉग के रूप में कैसे लिखा जाएगा? अब यहां इस वक्त ये 2 बेस है, 3 इसकी पावर है और इसकी वैल्यू 2 × 2 × 2 = 8 के बराबर। इस तरह 3 बेस है एंड 2 इसकी पावर है, 3 × 3 = 9 एंड 4^4 बेस और इसकी पावर 4 × 4 × 4 = 256 के बराबर। अगर हम इसको लॉग के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है लॉग, सबसे पहले ई वैल्यू आएगी दैट इज 8, इसके सामने टू द बेस 2, बेस थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 3। ये लॉग के रूप में लिखा हमने। एक किस्म से आप देखेंगे तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, लेकिन लिखा जाएगा थोड़ा सा नीचे लिखा जाएगा। सिमिलरली वी कैन राइट दिस एज लॉग ऑफ 9 इधर आ जाएगा, टू द बेस 3 एंड 2 उधर चला जाएगा और यहां log ऑफ 256 टू द बेस दिस 4 इज इक्वल टू 4 इधर चला जाएगा। तो एक किस्म से वही उसी रूप में रहेगा, 2 बेस होगा, 8 इस तरफ आ जाएगा, 3 उस तरफ, लेकिन लिखेंगे इसके सामने और पढ़ेंगे इसको log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली यार log ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज log of 256 to the base 4 is equal to 4 के बराबर। इस तरह से लिखेंगे। इन जनरल वी कैन राइट दिस एज a^m is equal to b, where a is greater than 0 and a is not equal to 0. M is a rational number and b is a positive real number. इस टाइप में लिखा जाता है इसको। अगर a^m इज इक्वल टू b के बराबर है तो वी विल राइट दिस एज log ऑफ दिस b टू द बेस a इज इक्वल टू m। एक्सपोनेंट को log के रूप में ऐसे लिखा जाता है और log को एक्सपोनेंट के रूप में ऐसा लिखा जाता है, इधर से उधर और उधर से इस तरफ। हम जानते हैं a^0 इज इक्वल टू 1, a^0 = 1, तो log के रूप में इसे लिखा जाएगा log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। या आई कैन राइट 7^0 = 1, दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 1 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 0। या सपोज 10^0 = 1, this can be written as
log of 1 to the base 10 is equal to 0. अब इन सभी केसेस में देख रहे हैं हम log 1, log 1, log 1, whatever be the base. Base चाहे कुछ भी हो, the value of log 1 is 0. Log 1 is equal to 0. यह मान लिया a raised to 1 is equal to a. तो हम लिख सकते हैं log of a to the base a is equal to 1 के बराबर. या इस तरह समझते हैं कि 2 raised to 1 is equal to 2. तो इसको लिखा जा सकता है log of this 2 to the base 2 is equal to 1. या मैं लिख दूं कि 10 raised to 1 is equal to 10. तो इसको लिखा जा सकता है log of 10 to the base 10 is equal to 1. अब देखिए यहां एक चीज हम देख रहे हैं कि अगर मान लिया ये दोनों चीजें सेम हैं और log है तो that is equal to 1. यहां भी दोनों सेम, log है तो that is equal to 1. यहां भी दोनों सेम है, log n दैट इज इक्वल टू 1. इट मींस a और a अगर दोनों सेम होते हैं तो उनकी वैल्यू log के रूप में 1 के बराबर होगी.